नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी, हम लोग हैं किशनपुर जमालपुर सीट पर। किशनपुर जमालपुर सीट हॉट सीट बन चुकी है, जहां पर प्रत्याशियों की भंपार है। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं सुलेमान भाई ने भी यहां से अपनी ताल ठोक दी है और नामांकन करने के साथ चुनावी रफ्तार तेज़ बढ़ा दी है। चलिए उनसे बात करते हैं, चुनावी उनके क्या मुद्दे हैं। सुलेमान भाई, दैनिक रुड़की में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब इस बार आप किशनपुर जमालपुर से चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेन मुद्दा तो जी देखो, पहले रहा मैं 1116 तक के, जितनी भी मेरे से सेवा हुई समाज के लोगों की मैंने की और आगे भी करूँगा। और मेन मुद्दा तो जो है, ज़्यादातर जो है यहाँ ननेड़ा गांव है उसमें जंगल वाले रास्ते में एक पुलिया बननी है, पानी भर जा रोड से लगती हुई जो आबादी ननेड़े में, किशनपुर जमालपुर में जो आबादी है हाईवे के नज़दीक उसमें पानी भर जा, तो फिर सड़कों की भी हालत बहुत ऐसी है। तो पहले विकास कराया और आगे भी विकास कराने का ही इरादा, और उसमें पूरी जी जान से करूँगा, पहले भी कराया अब भी कराऊँगा। नहीं, आप अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट पाए हैं, इसका तो फ़र्क पड़ेगा ना आपको? इसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने का, हमारे गांव में 2011 से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ और कभी कोर्ट में चल रहा मामला। दूसरी बात यह है कि मैं पहले रहा, मेरे पास सफरपुर, रसूलपुर, सलेमपुर, मतल्लापुर ये गाँव थे, उधर के लोग भी सब साथ हैं और कोई दूरी वाला मामला नहीं है, 2-3 किलोमीटर की रेंज में ही सारा मामला, सब गाँव ऐसे ही है, हमारे पड़ोस का मामला। ये आपकी बात ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ननेड़े की बात की जाए, पोहाने की बात की जाए, किशनपुर की बात की जाए, करौंदी की बात की जाए, ये गांव अलग है, थोड़े हट गए हैं, नया चेहरा है, नए चेहरे को लोग बाग कैसे अपसेट कर पाएंगे? ऐसा है ना, पहले मैं 1116 तक रहा, कोई ज़्यादा दूरी पर कोई गाँव नहीं है, मैंने विकास कराया काफ़ी, सलेमपुर, मतल्लापुर, सफरपुर, रसूलपुर, रामपुर, इलाके के सभी जिम्मेदार लोग हैं, सब भीतर बाहर जो घूमने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले, वो सब जानते हैं और जान पहचान की वजह से ही सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि कामयाबी मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम इनकी सारे तन मन धन से युवा खड़े हैं स्थानीय आके, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? यहाँ इंशाल्लाह जीत पक्की होगी इनकी। जी आप क्या कहना चाहोगे? इंशाल्लाह जीत हो जाएगी इनकी पक्की। कैसे जीत हो जाएगी? ये आप चुनाव में और भी तो प्रत्याशी हैं? और भी प्रत्याशी सब उम्मीद पे खड़े हैं जी। अच्छा, जी 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 ठीक है। बड़े मैं क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, सुलेमान जी एक सेकुलर दिमाग के आदमी है और ईमानदारी से काम करते हैं और पब्लिक इसको चाहती है, पब्लिक इनको चाहती है। जो भी इन्होंने पहले भी जिला पंचायत से प्यार पूरा मिल रहा क्षेत्र में मिल रहा जी, जो भी काम इन्होंने मिला ईमानदारी के साथ अंजाम दिया उसको। चलिए ठीक है, एक साथी और खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ चुनाव पर किशनपुर जमालपुर सीट पर? इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और जैसे पहले हमने विकास कार्य कराए हैं इसी तरह विकास कार्य कराएंगे। जो आप पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं आपके? जी मेरे पिताजी हैं मोहम्मद सुलेमान, पहले हमने बहुत कार्य कराए हैं और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह कार्य कराएंगे। विकास के दम पर भाई सुलेमान फिर जिला पंचायत किशनपुर जमालपुर से मैदान में है। मैदानी कुड़की से रियाज कुरैशी अपने सहयोगी साथी योगराज के साथ।